जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। परमेश्वर ने नबूकदनेस्सर को एक मौका दिया था बचने का और उनको कुछ वक्त भी दिया था, लेकिन फिर भी वो बचाए नहीं गए। ऐसा क्यों? परमेश्वर सबको एक समान मौका देते हैं। जैसे नूह को 100 साल दिए थे तो पूरी दुनिया को भी 100 साल दिए थे, लेकिन नूह बचाए गए और बाकी लोग नहीं बचाए गए। उसका कारण क्या? ऐसा क्यों होता है कुछ लोग बच जाते हैं, कुछ लोग नाश हो जाते हैं? इस जानने के लिए इस वीडियो को पूरा देखें। दानिय्येल 4:19-27। तब दानिय्येल, जिसका नाम बेलशस्सर भी था, घड़ी भर घबराता रहा और सोचते सोचते व्याकुल हो गया। तब राजा कहने लगा, हे बेलशस्सर, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फले। जिस वृक्ष को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा, वह तू ही है। तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बढ़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है। हे राजा, तूने जो एक पवित्र पहरुए को स्वर्ग से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो अभी उसके ढूंढ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और इसको लोहे और पित्तल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। वह आकाश की ओस से भीगा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। हे राजा, इसका फल तो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वह यह है कि तू मनुष्य के बीच से निकाला जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। तू बैलों के समान घास चरेगा और आकाश की ओस से भीगा करेगा और 7 युग तुझ पर बीतेंगे, जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। उस वृक्ष से ढूंढ को जड़ समेत छोड़ने की आज्ञा जो हुई है, उसका अर्थ यह है कि तेरा राज्य तेरे लिए बना रहेगा, और जब तू जान लेगा कि जगत का प्रभु स्वर्ग ही में है, तब तू फिर से राज्य करने पाएगा। इस कारण हे राजा, मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनों पर दया करने लगे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। हालेलुया। ये परमेश्वर पिता का वचन जो हमारे लिए बहुत ही आशीषित है। ये परमेश्वर पिता का वचन है जो कि सच्चा है, और बाइबल में लिखा है कि तू सच्चाई जानेगा तो सच्चाई तुझे आजाद करेगी। हालेलुया। आज एक बार फिर से बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, ताकि परमेश्वर आपसे जो बात करने के लिए जा रहे उसको आप जान सको, समझ सको, ग्रहण कर सको और उसके अनुसार चलकर परमेश्वर के राज के वारिस बन सको। 2023 हमारा दरवाजा खटखटा रही है और थोड़े ही दिनों में 2023 वो आ जाएगी। बस बीच में एक संडे है, उसके बाद में दूसरे संडे 2023 शुरू हो जाएगी। 2020 में इस धरती के ऊपर एक बीमारी फैल गई, सच्ची झूठी की बात नहीं है, लेकिन कोरोना नाम की एक बीमारी फैल गई और उसमें काफी लोग मर गए। और जब उसकी दूसरी लहर आई तब हमारे भारत में भी काफी लोग मर गए, और खास कर जब मैं गुजरात की बात करूं तो गुजरात में सोनगढ़ जारा नाम का जो इलाका है जहां पर परमेश्वर का काम चल रहा है, कुछ ज्यादा चल रहा है, और वहां पर काफी मौत हो गई। और साथ में ऐसा हुआ कि वहां पर जो पास्टर लोग थे, जो सेवक लोग थे, ऐसे लोगों की मौत ज्यादा हो गई। और राजस्थान बॉर्डर
मतलब कि गुजरात और राजस्थान की बॉर्डर जहां पर है वहां पर भी काफी पास्टर लोग और परमेश्वर के दास लोग जो है वो कोरोना में वो मर गए। कैसे लगा कि एक बड़ी सी बाढ़ आई और उस बाढ़ में काफी लोग खत्म हो गए। लेकिन मैं खास कर ऐसे लोगों की बात करना चाहता हूँ कि जो विश्वासी लोग थे, जो परमेश्वर के पीछे चलने की बात कर रहे थे, ऐसे लोग वो काफी मर गए। अभी आने वाले दिनों में भी कुछ विपत्तियां जो है वो इस धरती के ऊपर आने वाली है, जिसका जिक्र बाइबल में किया है। लेकिन जो बाइबल में लिखा है उसको छोड़कर भी और भी कई सारी विपत्तियां जो है वो इस धरती पर आएगी, जो बाइबल के हिसाब से तो है लेकिन बाइबल में लिखी नहीं है। लेकिन बाइबल के कहने के अनुसार है, उसमें ऐसा नहीं है कि जो मसीह लोग है उनके ऊपर नहीं आएगी या सिर्फ मसीह लोगों के ऊपर आएगी, इसको किसी कौम से कोई लेना देना नहीं। लेकिन ये सभी लोगों के लिए एक आम सी बात होगी, जैसे कि अभी अभी महंगाई बढ़ रही है, तो महंगाई तो चाहे मसीह लोग हो चाहे मसीह को मानने वाले ना भी हो, उन सभी के ऊपर महंगाई जो है वो तो काम करेगी। तो अभी एक महंगाई जो है वो धीरे धीरे बढ़ रही है, जिसके शिकार हम सभी होंगे। एक और बात, मरी मतलब बीमारियों का फैलना, जो बाइबल में नहीं लिखी ऐसी बीमारियों की मैं बात कर रहा हूं, बाइबल की जो विपत्ति में नहीं लिखा ऐसी इंसान से फैलाई हुई बीमारियां, इंसान खुद वायरस बनाए और खुद वायरस बनाकर उसको लोगों के बीच में छोड़ दे और उसके कारण लोग बीमार हो। मैंने कई बार बताया कि ऐसे कुछ टावर लगे हुए, लेकिन जिसका देखने जाओ तो टावर जैसा कोई ताल्लुक है ही नहीं, मालूम नहीं क्यों लगाए। लेकिन मेरा डाउट है कि उसके अंदर से कुछ ऐसी किरणें निकालते होंगे लोग कि जिसके कारण लोग बीमार हो जाते हैं, खांसी सर्दी हो जाती है, गले में खराबी हो जाती है, फिर अस्पताल में जाते हैं, रिपोर्ट निकलवाते हैं, तो रिपोर्ट में जो भी वो लोग बीमारी चाहते हैं वो बीमारी दिखाई देती है और इंसान मर जाता है। जो पानी हमारे घरों में आ रहा है, हो सकता है कि उस पानी के अंदर ऐसा कुछ डालते हो जिसके कारण इंसान की हालत ऐसी हो जाए वो बीमार हो जाए। पिछले दिनों में वैक्सीन को लेकर गवर्नमेंट ने बहुत जोर लगाया, सिर्फ यहाँ पर नहीं सभी देशों में वैक्सीन ले लो। सुप्रीम कोर्ट हर बार बोलती थी कि ये कंपलसरी नहीं है, लेकिन फिर भी जो लोग जॉब कर रहे थे उनको भी बोला गया वैक्सीन ले लो नहीं तो हम निकाल देंगे। जो लोग नई जॉब ढूंढने के लिए गए उनको तो पहले से बोला गया कि वैक्सीन हो तो ही आना, वैक्सीन के बिना तो इंटरव्यू भी नहीं लेते। और आज इतने ऐसे किस्से बाहर आ रहे कि जो लोग वैक्सीन लेकर बैठे उनको हार्ट अटैक की बीमारी हो गई और बहुत लोग जो हार्ट अटैक में मरने लग गए। तो ये भी किसी कौम को लेकर नहीं हो रहा है, बस जो लोग इसमें फंसे हैं उनके साथ ऐसा कुछ हो रहा है। अभी सभी देशों में 5G जो है वो शुरू कर रहे हैं और हमारे देश में भी 2023 एंड आए उससे पहले पूरे देश में 5G के टावर लगाने की बात है। ये इंटरनेट की स्पीड बढ़ा देता है, नई टेक्नोलॉजी, लेकिन उसकी जो किरणें होती है उससे इंसानों को पशु पंछी को कुछ असर हो जाती है और जिसके कारण मौत जो है वो बढ़ जाती है। तो ये सब कुछ आने वाले दिनों में और पिछले दिनों में कुछ हमारे साथ हो गया और आने वाले दिनों में ऐसी कुछ बातें और हो जाएगी। पिछली बार जब लॉकडाउन लगा तो मुझे पक्का नहीं मालूम कौन से देश की बात है, लेकिन मेरे अंदाज से हो सकता है ब्रिटेन की बात थी, मुझे पक्का याद नहीं, प्लस माइनस हो सकता है उसमें।
तो लॉकडाउन लगाकर उन लोगों ने 5G के टावर वहां पर लगा दिए, और जब पब्लिक को पता चला तो उन लोगों ने 5G के टावर जला दिए। टावर जलाने का मतलब यह है कि सभी को मालूम है कि 5G के टावर हमको परेशान कर सकता है, हमारे शरीर के लिए अच्छा नहीं। और गवर्नमेंट भी जानती है, मैं किसी एक देश की बात नहीं कर, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूं, वो लोग भी जानते हैं कि 5G के टावर अगर लगाएंगे तो हो सकता है कहीं पर हमारा विरोध हो, तो इसलिए लॉकडाउन में सभी को एक जगह पर बंद करने के बाद ये सारे काम वो लोग निपटा रहे। अभी पिछले दिनों में चाइना में लॉकडाउन लगा, बहुत भारी लॉकडाउन लगा, और चाइना वालों ने विरोध किया, सभी लोग रोड के ऊपर उतर आए, फिर भी लॉकडाउन चलता रहा मालूम कब तक, और फिर जाकर उन्होंने सभी लोगों को आजाद किया कि ठीक है अभी आप सफर कर सकते हो। सही में इतना कुछ होता नहीं है कि इंसान को लॉकडाउन करना पड़ेगा, लेकिन फिर भी करते हैं और लोगों को एक जगह पर बंद कर कर मालूम नहीं वो कौन सा काम अपना जो है वो निपटा लेते हैं जो हमारे विरोध में है, और उसके कारण जो कुछ भी होगा, हो सकता है बीमारियां बढ़ जाए, हो सकता है लोग कमजोर हो जाए, हो सकता है कई मौतें हो जाए। अभी फिर से लॉकडाउन की अफवाह बोलो तो अफवाह या तो बात बोलो तो बात चल रही है कि क्या भारत में एक बार फिर से लॉकडाउन लगेगा, और ज्यादातर लोगों का मानना है कि हाँ ऐसा होगा या ऐसा हो सकता है। तो जब कुछ है ही नहीं तभी से बातें क्यों चल रही है, जब हमें कोई बीमारी नजर नहीं आ रही तभी से ऐसी बातें क्यों चल रही है, इसका मतलब कुछ न कुछ ऐसी हवा बाहर चल रही है कि हो सकता है आने वाले दिनों में हमें ऐसी बातों का सामना वो करना पड़े। उसके बाद एंटीक्राइस्ट आएगा, जिसके बारे में तो बाइबल में ही लिखा है कि एंटीक्राइस्ट खड़ा होगा, मसीह का विरोधी आएगा, लेकिन मसीह का विरोधी जब आएगा उससे पहले जो पवित्र आत्मा है उनका काम वो खत्म हो जाएगा, मतलब कि पवित्र आत्मा अपना काम बंद कर देंगे। काम बंद करने का मतलब ये है कि पवित्र आत्मा को यहां से उठा नहीं लिए जाएंगे, वो इसी धरती पर है लेकिन जिसमें है उसी में है, बस नए सिरे से किसी को नहीं दिए जाएंगे। मैं जो बिना पवित्र आत्मा है वो बिना पवित्र आत्मा ही रहेगा, उसको पवित्र आत्मा नहीं मिल सकते, और जिनके पास है उनके पास रहेंगे, लेकिन परिस्थिति के अनुसार अगर वो भी कुछ गलती कर बैठे तो हो सकता है वो भी पवित्र आत्मा को गंवा दे, पर मिले ये संभावना तो है नहीं। जिसके पास है वो गंवा सकते, लेकिन पवित्र आत्मा नहीं है और मिल जाए ये बात नहीं हो सकती। और जब एंटीक्राइस्ट आ जाएगा तो बाइबल में लिखने के अनुसार एक बात तो ये होगी कि परमेश्वर का जो वचन है उस वचन का अकाल पड़ेगा, क्योंकि बाइबल में ऐसा लिखा है आमोस भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 11 और 12 वचन, परमेश्वर यहोवा की यह वाणी है, देखो ऐसे दिन आते हैं जब मैं इस देश में मंगी करूंगा, उसमें न तो अन्न की भूख और न पानी की प्यास होगी, परंतु यहोवा के वचनों के सुनने ही की भूख प्यास होगी। लोग यहोवा के वचन की खोज में समुद्र से समुद्र तक और उत्तर से पूरब तक मारे मारे फिरेंगे, परंतु उसको न पाएंगे। हालेलुया। लोग परमेश्वर के वचन को लेकर समुन्दर से समुन्दर तक वो मारे मारे फिरते रहेंगे, लेकिन कहीं पर उनको परमेश्वर के वचन नहीं मिलेंगे। पहले भी बता चुका हूं, एक बार फिर से बताता हूं, इसको याद रखना। परमेश्वर के वचन को उस वक्त कौन ढूंढेगा जबकि अकाल पड़ा है, पवित्र आत्मा का काम ही बंद है। जब पवित्र आत्मा ही नहीं है कौन वचन ढूंढेगा, किसको जरूरत है? और जिनके अंदर पवित्र आत्मा है उनके साथ तो वचन भी है, तो वो भी ढूंढने के लिए नहीं भागने वाले। तो फिर ऐसे कौन होंगे जो परमेश्वर के वचन के लिए इधर उधर भागेंगे?
बहुत ध्यान समझता है। आज परमेश्वर के वचन पूरी दुनिया में है या नहीं है? है या नहीं है? थोड़ा जोरों से बोलो, नहीं है। पृथ्वी का जो गोला है उसके बीच में क्या है? उसके बीच में क्या है? नर्क। वहां पर है परमेश्वर का वचन, वहां पर धनवान गया था, ढूंढ रहा था ना वचन, वचन को ढूंढ रहा था ना, क्या उसको मिलने वाला है वचन? उसको नहीं मिलेगा वचन। अभी वो चाहता है वचन, अभी वो चाहता है लाजर को भेजो मेरे पास, मेरे पास नहीं तो मेरे भाइयों के पास भेजो, मेरे बाप के घर भेजो, चाहता है ना वो, नहीं है वचन। मतलब ऐसे लोग वचन को ढूंढेंगे जिनको वचन मिल चुके हैं, माना नहीं, बहुत बार सुना, बहुत बार सिखाया, कल करेंगे, परसों करेंगे, वो चाहे लापरवाही हो, चाहे आलस हो, चाहे कुछ भी हो आपके जीवन में, जिसके कारण आप वचन सुनते गए सुनते गए सुनते गए, नहीं माना नहीं माना, अभी नहीं होगा, कल नहीं होगा, परसों नहीं होगा, होगा तो देखा जाएगा, करेंगे। और ऐसे लोग जिन्होंने सुना है वो लोग उस वक्त भागे, अरे वचन नहीं मिल रहा है, चलो भागो भागो, पवित्र आत्मा तो है नहीं, उनके ऊपर कौन भरोसा करेगा? कौन सा परमेश्वर का दास उसको वचन सुनाएगा? क्योंकि परमेश्वर का वचन तो मना करता है, नहीं मिलेगा, मतलब नहीं मिलेगा। ऐसे लोग पछताएंगे उस वक्त, और इसलिए परमेश्वर का जो वचन है उसको माना करो, क्योंकि मसीह का विरोधी है, क्योंकि उसका नाम ही मसीह का विरोधी लिखा है, तो मसीह की सारी बातें खत्म कर देगा वो। और सही में मसीह का विरोधी का काम वो देखने जाओ तो बहुत भयानक सा काम है उसका, उसको मसीह के कामों से ही लेना देना है, मसीह के वचन से ही लेना देना है, उसी का नाश कर देगा। वचन संहिता में लिखा है, पढ़ना नहीं है, कि उसने सारे चर्च को जला दिया है। जब चर्चों को जला दिया तो फिर बाइबल कहां रहने वाले? बाइबल भी नहीं रहेंगे, परमेश्वर के वचन हमारे मोबाइल में भी नहीं रहेंगे, हमारे घर में भी नहीं रहेंगे, सिर्फ एक ही जगह है हृदय, कि वहां से कोई भी नहीं निकाल सकता, लेकिन वो वचन को जला देगा। अभी वचन को किस तरह से गायब करें, अब तक जितने लोगों ने ऐसा करने का प्रयत्न किया वो सभी के सभी फेल हो गए, लेकिन इसके बारे में तो बाइबल में लिखा है सफलता प्राप्त करेगा, मतलब सफल होगा। हालेलुया। पिछली बार मैंने बताया था नई दशा आज्ञा निकली, अभी देखने जाओ तो उसमें आज्ञा जैसा कुछ है भी नहीं, बड़ी बात दिखती नहीं है, लेकिन जिसकी जैसी निगाह है कि सिनाई पहाड़ के ऊपर परमेश्वर आए और परमेश्वर ने दशा आज्ञा दी, उस परमेश्वर की जगह पर सारे धर्म के धर्म गुरु वहां पर इकट्ठे होते हैं, और जब वो दशा क्या देते हैं तो वो ये कहना चाहते हैं कि कोई परमेश्वर नहीं, हम परमेश्वर, उसकी आज्ञा नहीं हमारी आज्ञा। मतलब सोचो, उन्होंने अपने आप को परमेश्वर की जगह पर ठहरा दिया। आज कितने भी लोग होंगे जो लोग इस आज्ञा को मानेंगे, क्योंकि उनके धर्म गुरु ने यह आज्ञा दी है। इसी तरह से हो सकता है पूरा बाइबल इधर से उधर पलटा दे, बाइबल तो रहेगा लेकिन पूरा उल्टा कर आपके हाथ में रख दिया। तो अभी मैं किसी के घर गया था, हम लोग मीटिंग शुरू कर रहे थे, शुरुआत का ही वचन जिसने पढ़ा, मैंने बोला ये दूसरा वाला बाइबल, ये मत पढ़ो, अर्थ बदल जाते हैं उसमें। अभी ऐसे ही वचन मिल गए तो ओरिजिनल वचन कहां मिलने वाले? ओरिजिनल को ढूंढने के लिए कहां जाओगे? और इंसान को ऐसा लगेगा मेरे पास तो है ही। ये सब कुछ मसीह के विरोधी के वक्त में होने वाला है। इतना नहीं, लेकिन प्रकाशित वाक्य में ऐसा लिखा है, उसका 13वां अध्याय उसका 7वां वचन, उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए। यहाँ पर ऐसा लिखा है उसको यह अधिकार मिला कि पवित्र लोगों से लड़े,
मतलब परमेश्वर के लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, मतलब पवित्र लोगों को मार दे, खत्म कर दे। हालेलुया, मसीह के विरोधी को ऐसा अधिकार मिला है कि वो परमेश्वर के लोगों को मार दे। फिर आगे लिखा है वहीं पर प्रकाशित वाक्य उसका 13 अध्याय और पढ़ो को पढ़ो तो उसका 12 वचन। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक गौ अच्छा हो गया था पूजा करता था। वह बड़े बड़े चिन्ह दिखाता था, यहाँ तक कि मनुष्य के सामने स्वर्ग से पृथ्वी पर आग बरसा देता था। 12 वचन एक बार फिर से पढ़ो। वह उस पहले पशु का सारा अधिकार उसके सामने काम में लाता था और पृथ्वी और उसके रहने वालों से उस पहले पशु की जिसका प्राण घातक गौ अच्छा हो गया था पूजा करता था। यहाँ पर लिखा है कि जो मसीह का विरोधी है उसकी आराधना करवाएगा, उसकी पूजा करवाएगा। तो ऐसा नहीं किसी किसी के पास, ये सभी लोगों के पास जो परमेश्वर को मानते ऐसे लोगों के पास भी वो पूजा करवाएगा, आराधना करवाएगा। इसका दूसरा मतलब है कि राज उसी का है, तो जो आराधना ना करे उसको मार भी सकता है, खत्म भी कर सकता है। फिर उसका 15 और 16 वचन। उसे उस पशु की मूर्ति मूर्ति में प्राण डालने का अधिकार दिया गया कि पशु की मूर्ति बोलने लगे और जितने लोग उस पशु की मूर्ति की पूजा न करे उन्हें मरवा डाले। हाँ, जितने लोग उसकी मूर्ति की पूजा ना करे उसको तो वो मरवा डाले, उसको भी खत्म कर दे, मूर्ति पूजा भी करवाएगा। और आगे पढ़ो। उसने उसने छोटे बड़े धनी कंगाल स्वतंत्र दास सबके दाहिने हाथ या उनके माथे पर एक एक छाप करा दी कि उसको छोड़ जिस पर छाप अर्थात उस पशु का नाम या उसके नाम का अंक हो अन्य कोई लेन देन न कर सके। देखो वो अपने एक निशान देता है, एक मुहर देता है और जिसके पास वो मुहर ना हो वो कोई भी लेन देन नहीं कर सकता, मतलब खरीद नहीं सकता, बेच नहीं सकता, कुछ भी नहीं कर सकता है। ऐसे में किस तरह से परमेश्वर के लोग रह पाए, क्योंकि अगर उसकी मुहर लेते हैं तो नरक में जाना है, नहीं लेते हैं तो हम खरीद नहीं सकते, बेच नहीं सकते, कमाई नहीं कर सकते, कुछ भी नहीं कर सकते, तो करना क्या है? अगर हमारे घर में बचत है तो अभी हम निकाल नहीं सकते, खरीद ही नहीं सकते, तो करना क्या? उसके वक्त में ऐसी ऐसी विपत्तियां जो है आने वाली। फिर आगे लिखा उसका 16 अध्याय प्रकाशित वाक्य उसका 16 अध्याय उसका 2 वचन। अतः पहले स्वर्गदूत ने जाकर अपना कटोरा पृथ्वी पर उंडेल दिया, तब उन मनुष्यों के जिन पर पशु की छाप थी और जो उसकी मूर्ति की पूजा करते थे एक प्रकार का बुरा और दुखदायी फोड़ा निकला। यहाँ पर लिखा है कि लोगों को फोड़े निकले। यहाँ पर एक बात है कि जो परमेश्वर के लोग है जिनके पास पवित्र आत्मा की मुहर है उनके ऊपर विपत्ति नहीं है, लेकिन अगर उस वक्त पवित्र आत्मा खो बैठे हो तो ये बात उसके साथ जरूर होगी कि उसको फोड़ा निकल आएगा। फिर आगे पर उसका 3 वचन। दूसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा समुद्र पर उंडेल दिया और वह मरे हुए मनुष्य के लहू जैसा बन गया। फिर ऐसा होगा कि पानी जो है समुद्र का वो लहू बन गया। फिर उसका 4 वचन पढ़ो। तीसरे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा नदियों और पानी के स्रोतों पर उंडेल दिया और वे लहू बन गए। इसका मतलब कि पीने का पानी भी लहू बन गया। पहले तो समुद्र का पानी लहू बन गया, उसके बाद पीने का पानी जो है वो भी लहू बन गया। फिर इसका 8वां वचन पढ़ो। चौथे स्वर्गदूत ने अपना कटोरा सूर्य पर उंडेल दिया और उसे मनुष्यों को आग से झुलसा देने का अधिकार दिया गया। गर्मी इतनी बढ़ गई कि इंसान सूरज की गर्मी से मर जाएंगे। अभी कई लोग भविष्यवाणी कर रहे हैं कि आने वाले दिनों में भारत में बहुत गर्मी होगी और बहुत लोग जो है वो मर जाएंगे। मैं उसको बाइबल से नहीं बता रहा, तो बाइबल की कोई भविष्यवाणी, बाइबल की बात अलग से, ये तो उस वक्त की है कि जब मसीह का विरोधी खड़ा हो जाएगा उस वक्त इतनी गर्मी होगी पूरे वर्ल्ड के अंदर, सिर्फ भारत में नहीं, और सब लोग इंसान जो है मर जाएंगे। ये भी जो परमेश्वर को नहीं मानते ऐसे लोगों के लिए जिनके पास पवित्र आत्मा की मुहर है उनको ऐसा कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं इसलिए बता रहा हूं कि उस वक्त पवित्र आत्मा नहीं हुआ तो क्या करोगे। फिर आगे हम पढ़ते उसका 10वां वचन। पांचवें स्वर्गदूत ने अपना कटोरा उस पशु के सिंहासन पर उंडेल दिया और उसके राज्य पर अंधेरा छा गया, लोग पीड़ा के मारे अपनी अपनी जीभ चबाने लगे। बाइबल में लिखा है ऐसा अंधकार छा जाएगा, लोग पागल जैसे हो जाएंगे और
उनके जीवन में पागलपन जैसे सवार हो जाएगा और वो लोग एक अंधकार के कारण अपनी जबान को चबा लेंगे, यहां तक पागल हो जाएंगे। ऐसी ऐसी विपत्तियां जो है वो आखिरी दिनों में आने वाली है और समझ लो कि उन दिनों के बहुत निकट तक जो है वो हम लोग पहुंच गए। फिर उसके 9वें अध्याय में लिखा है, प्रकाशित वाक्य उसका 9वां अध्याय, पर पढ़ो तो उसका 1 से लेकर 4 वचन। जब पांचवें स्वर्ग से तुरही फूंकी तो मैंने स्वर्ग से पृथ्वी पर एक तारा गिरता हुआ देखा और उसे अथाह कुंड की कुंजी दी गई। उसने अथाह कुंड को खोला और कुंड में से बड़ी भट्टी का सा धुआं उठा और कुंड के धुएं से सूर्य और वायु अंधकारमय हो गए। उस धुएं में से पृथ्वी पर टिड़िया निकली और उन्हें पृथ्वी के बिच्छुओं की सी शक्ति दी गई। उनसे कहा गया कि न पृथ्वी की गस को, न किसी हरियाली को, न किसी पेड़ को हानि पहुंचाए, केवल उस मनुष्य को हानि पहुंचाए जिनके माथे पर परमेश्वर की मुहर नहीं है। बाइबल में लिखा है कि जिसके पास पवित्र आत्मा की मुहर नहीं, परमेश्वर की मुहर नहीं, सिर्फ उन्हीं लोगों को परेशान करो। हालेलुया। बार बार लिखा है कि जो परमेश्वर के लोग हैं उनके लिए सारी विपत्तियां नहीं है, विपत्ति में है लेकिन विपत्तियां उनके लिए नहीं है। लेकिन जिस तरह से मसीह के लोगों को, लोगों के काम हम देखते हैं, उससे पता चलता है कि मुहर दिखाई नहीं देती। तो अगर मुहर नहीं है तो क्या करोगे? उस वक्त अगर पवित्र आत्मा खो बैठे तो क्या करोगे? और इसलिए लगातार इस मुहर के अंदर, परमेश्वर की मुहर के अंदर रहना वो हमारे लिए वो बहुत ही जरूरी है। ऐसी ऐसी विपत्तियां जो है इस संसार के ऊपर आने वाली है, जब एंटीक्राइस्ट वो खड़ा होने वाला है उसके वक्त बहुत सारी विपत्तियां जो है वो आने वाली है। वो ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनते रहना। अगर ये सब कुछ होने वाला है तो हमें करना क्या पड़ेगा? हालेलुया। अगर ये सब कुछ होने वाला है तो हमें करना क्या पड़ेगा? क्या कभी किसी ने सोचा कि ऐसी घटना होने वाली है तो मैं अपने आप को तैयार करूं? क्या उस वक्त के लिए आप लोगों ने कुछ सोचकर रखा है? क्या आपने कुछ ऐसी बातें या ऐसा कोई प्रयोजन, ऐसा कुछ आयोजन कर रखा है कि उस वक्त जब ऐसी परिस्थिति होगी तुम उसे करना क्या है? ये सारी बातें हम सिर्फ बाइबल में पढ़ते हैं, इसकी जो भयानकता है उसका अंदाजा नहीं होता हमको। जब सुलेमान इस धरती के ऊपर राजा थे और परमेश्वर उनको ज्ञान दिया था और बाइबल में ऐसा लिखा है कि ऐसा ज्ञान ना तो पहले किसी राजा में था या किसी इंसान में था, ना उसके बाद में किसी को इतना दिया जाएगा, इतना ज्ञान। और उस ज्ञान की बातें सुनकर शेबा की जो रानी थी वो उसको मिलने के लिए आई और ऐसे ऐसे सवाल लेकर आई कि वो आकर सुलेमान को वो उलझन में डालने लगी। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, वो बोलते गए और सुलेमान उत्तर देते गए और आखिर में उससे क्या बोला मालूम है? तेरे ज्ञान की चर्चा मैंने सुनी थी और सुनकर ऐसा लगता था कि इतना ज्ञान नहीं हो सकता, लेकिन जब मैंने खुद आकर देखा तो मुझे ऐसा लगा मैंने जितना सुना था वो तो आधा भी नहीं था। हालेलुया। ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो हम सुन रहे, समझ रहे हैं, ये तो आधा भी नहीं। इसकी भयानकता कितनी होगी वो सोचो। अभी तो मैंने ज्यादा नहीं पढ़ा है लेकिन बाइबल में से लिखा है एक एक मन के बर्फ के टुकड़े पड़े और एक मन सिर्फ गुजराती में 20 किलो होते, लेकिन एक मन का गुजराती को छोड़कर और लैंग्वेज में 40 किलो होते। तो मुझे इतना मालूम है कि बाइबल में, बाइबल जो है वो गुजराती में तो नहीं लिखा गया, ये 40 किलो को ही दर्शाता होगा। लेकिन फिर भी मान लो चलो 20 किलो का बर्फ पर से गिरता होगा तो करोगे क्या? ऐसी कौन सी छत होगी जो 20 किलो के बर्फ के टुकड़े लगातार ऊपर से पड़ते हो
और आपको संभाल कर रखे। हालेलुया। ऐसा कौन सा घर है कि जो घर के सारे विश्वासी है तो परमेश्वर उसकी छत के ऊपर ना गिराए, जिनके पास परमेश्वर की मोहर वो बचाए जाएंगे, लेकिन सारा जीवन पोल मारी, ना बाप को बताया, ना माँ को बताया, ना पत्नी को बताया, ना पति को बताया, ना बच्चों को बताया, ना भाई को बताया, ना बहन को बताया। चलिए भाई तो बोल रहे, बोलने दो, हम तो अपने, हमको तो अपनी जान की पड़े, अपना को बचा लो बस। अगर आपके घर के पूरे मसीह में नहीं है, सभी ने मुहर नहीं पाई, तो आपके घर की छत के ऊपर गिरने वाला है, क्या करोगे? अगर आप अपार्टमेंट में रहे तो फिर तो मरने की पूरी संभावना है। जब आपके घर के पूरे नहीं है, वो 100% नहीं चलते, तो फिर क्या होगा? इस बर्फ से कौन बचेगा? और ये बर्फ के टुकड़े मालूम है, सबसे पहली पुस्तक अय्यूब की लिखी गई, और परमेश्वर अय्यूब को बताया था कि अय्यूब बर्फ का जो भंडार मैंने भर कर रखा है, जो आखिरी दिनों में विपत्ति के लिए तूने देखे कभी, तब से बर्फ जमा कर रखा है। आपके फ्रिज में कभी 2 दिन के बर्फ को देखना और 4 दिन के बर्फ को देखना, फर्क होगा। जितना पुराना बर्फ इतना पत्थर के समान होगा, उसको पिघलने में इतना टाइम लगता है। अभी सोचो क्या होगा। अय्यूब के जमाने से, उससे पहले तो परमेश्वर ने बना कर रखे, तो जब डालेंगे तब क्या होगा? उस परिस्थिति में आप हो, मैं तो बोलता आप 100% चल रहे हो, आपका पूरा घर चल रहा है, लेकिन आपके घर के बाहर ही गिर रहे, आपकी छत के ऊपर नहीं गिर रहे, क्योंकि आप सही चल रहे। लेकिन डर तो है कहीं परमेश्वर ऊपर तो ना जाए, बाहर निकलकर देख भी नहीं सकते, देखेंगे तो सर के ऊपर आ सकता है, डर तो लगेगा, हमारे आसपास ही हो रहा है, करेंगे क्या? चारों एंटीकास्ट के लोग होंगे, इधर उधर घूमते होंगे, मुझे लगता है उनका कोई ड्रेस होगा नहीं होगा मालूम नहीं, वो लोग भी घूमते होंगे, कौन है मुहर बिना का, चलो ये करते हैं वो करते, उनको पकड़ो ये करो वो करो, करोगे क्या? आज कितने लोग है जो मोबाइल की स्विच ऑफ, या तो मोबाइल बंद, तभी उनकी आंखें बंद, आंखें खुली मोबाइल भी चल पड़ा, रिचार्ज के बिना मर जाएंगे। दे दो भाई मुहर दे दो, लेकिन रिचार्ज तो करवाना पड़ेगा, मोबाइल के बिना चलता नहीं, करोगे क्या उस वक्त? ये भयानकता जो है, जो हम सुन रहे, हम समझ रहे, वो समझो कि आधी भी नहीं है, उसके बारे में हमें सोचना होगा। परमेश्वर यूना को बोला, यूना तू नीनवे को जा, और नीनवे वाले को जाकर इतना बता कि 40 दिन के बाद इस जगह का मैं नाश कर दूंगा। हालेलुया। वक्त था ना 40 दिन, 40 दिन तक मैं कुछ नहीं करने वाला, लेकिन 41वें दिन मैं छोड़ूंगा भी नहीं। परमेश्वर का फैसला, बात लिखी गई, बात फाइनल हो गई, जाकर कर देना, बोल दे और बता दिया। और मालूम है नीनवे कहां पर आया? जहां पर नबूकदनेस्सर राज कर रहा था, ये नीनवे वहां पर आया। नीनवे वहां का है, इज़राइल के दुश्मन लोग थे, इज़राइल के दुश्मन लोग थे। और अगर मैं आज की भाषा में बात करूं तो सारे अन्य जाति, ये लोग विश्वासी नहीं थे, विश्वासी नहीं थे। पहली बार उन्होंने यूना के मुंह से वचन सुने, और यूना आपको मालूम है किस तरह से गया था, उनको जाना ही नहीं था। तो जो प्रचारक होता है तो प्रेम से बोलता है, भाई साहब 40 दिन बच जाना, कुछ ऐसा करो कि बच जाओ, और यूना को तो जाना ही नहीं था। यूना ने कैसा बोले, 40 दिन के बाद ना सोने वाला, मर जाओगे तुम। वहां पर प्रेम नाम की तो कोई बातें दिखाई नहीं देती। अभी ऐसा कोई उत्तर दे तो मुझे तो लगता है उसको पकड़कर मार देना चाहिए, वो गुस्सा आना चाहिए। लेकिन नीनवे के अंदर कितनी बस्ती थी मालूम है? 120,000, 120,000। उसी वक्त, उसी पर जो आज तक परमेश्वर को नहीं मानते थे, जिनके पास बाइबल नाम की चीज नहीं थी, जिनके पास कोई भविष्यवक्ता नहीं था, जिनके पास कोई प्रचारक नहीं था, एक ही प्रचार सुनकर 120,000 लोग एक मन एक चित्त हो गए। राजा के साथ सभी लोगों ने एक ही बात बोली, पश्चाताप करो,
सभी लोगों ने बोला कपड़े निकालो, सभी लोगों ने बोला टाट पहनो, सभी लोगों ने बोला राख में बैठो, कोई कुर्सी पर नहीं बैठेगा। सभी लोग उपवास, 40 दिन लगातार उपवास, ना खाना है ना पीना है। हालेलुया। मैं सिर्फ दो चार लोगों को लेकर जाता हूँ, चलो आज हम प्रार्थना के लिए जाना उपवास के साथ। मैं बोलता हूँ मुझे कुछ मत बोलना, दो चार में भी एक तो बिना उपवास के होते, वो लोग मुझसे पूछते, मैं बोलता हूँ सभी का उपवास है, क्योंकि मैं पूछता भी नहीं किसी को, पूछू तो झूठ बोलना पड़े, मैं जानता भी है, पूछता नहीं किसी को आपने उपवास किया कि नहीं, कैसे ही आ गए, लेकिन अंदर से तो पता चलता है। दो चार लोग एक मन एक चित्त नहीं, और यहां पर 120,000 जो परमेश्वर को नहीं जानते, एक मन एक चित्त, 40 दिन नहीं खाना है, 40 दिन नहीं पीना है, क्यों? आने वाली विपत्ति से बचना है, 41वें दिन हमको बचना है। और सभी लोगों ने मन फिराया, संसार से हट गए, और सभी लोगों ने अपना जीवन परमेश्वर को समर्पित कर दिया। सभी लोग पुकार पुकार कर परमेश्वर की दुहाई देने लगे, सभी लोग परमेश्वर से प्रार्थना करने लगे, सभी लोग क्षमा मांगने लगे, परमेश्वर माफ करो, परमेश्वर माफ करो। और ऐसे करते करते 41वां दिन आ गए, सभी लोग टेंशन में। 41वें दिन तो मुझे लगता है सभी लोग घुटनों के बल खड़े हो गए होंगे, हाथ अपना उठा लिया होगा, परमेश्वर आज आपका न्याय है। और इधर यूना भी बाहर बैठे, आज तो मरेंगे, लेकिन परमेश्वर ने कुछ नहीं किया। हालेलुया। परमेश्वर ने कुछ नहीं किया, सारे एक मन और सारे एक चित्त, एक मिलकर सभी ने काम किया और सभी लोग बचाए गए। हालेलुया। सारे के सारे लोग बचाए गए। मुझे नहीं मालूम था कि परमेश्वर नीनवे का किस तरह से नाश करना चाहते थे। हो सकता है सदोम उमरा की तरह आग बरसाने वाले होंगे, हो सकता है नूह के जमाने की तरफ पानी से मारने वाले होंगे, हो सकता है सूरज को इतना बढ़ा दे, उसकी गर्मी इतनी बढ़ा दे, उससे मार दे, हो सकता है वहां पर बर्फ ही गिरा दे, बर्फ के कारण मार दे, मुझे नहीं मालूम किस तरह से परमेश्वर ने सोचा होगा, लेकिन जैसे भी सोचा होगा, 120,000 में से समझो कि 60,000 अगर 50% लोगों ने अपने आप को सुधार लिया होता तो उनको भी भागना तो पड़ता वहां से, या परमेश्वर को भगा दे तो सही, कुछ तो होता वहां पर, क्योंकि परिस्थिति तो आने वाली थी। हालेलुया। समझ रहे हो कि नहीं? इनको जो वक्त मिला, उन्होंने जो पश्चाताप किया, एक मन हो गए, एक चित्त हो गए, और सारे के सारे बचाए गए। परमेश्वर पछताए, ऐसा बाइबल में लिखा है, परमेश्वर पछताए। मैं ऐसे लोगों का नाश करना चाहता है तो कितने अच्छे लोग हैं, देखो जिनके ऊपर इतना क्रोध भड़का हुआ था, उन्हीं के लिए परमेश्वर को प्यार आ गया और परमेश्वर ने सभी को बचा लिया। इस दुनिया में दो तरह के लोग रहते हैं, तो ध्यान से समझते रहना। एक ऐसे लोग है जो नूह के समान है, जो चेतावनी पाकर तुरंत एक्शन में आ जाते हैं और जो परमेश्वर बोलते वो काम करने लग जाते और अपने आप को बचा लेते, जहाज में घुस जाते हैं और बच जाते चेतावनी पाकर। और दूसरे लोग कैसे है मालूम है? होता होगा ऐसा, वो सिर्फ सुनते, नूह से सुनते, बाढ़ आने वाली है, बरसात आने वाला है, 40 दिन 40 रात लगातार, और ये लोग दूसरे तरह के लोग, होता होगा ऐसा? नूह तो पागल है, छोड़ो। दूसरे लोग ऐसे होते हैं, नहीं होगा ऐसा, उनकी सोच यहां तक पहुंचते है, नहीं होगा। दूसरे लोग ऐसे, उनकी सोच वहां तक ही पहुंचती है, होगा तब देख लेंगे, होगा तब देख लेंगे। दूसरे लोगों की सोच यहां तक होती है, अचानक ऐसा हो जाएगा, अचानक ही बरसात हो जाएगा, अचानक ही दुनिया डूब जाएगी, एक दो घंटे में काम हो जाएगा, अरे जब होगा तो बचा लेंगे अपने आप को। अपने आप को इस बात में घसीट कर देखना। दूसरे लोग ऐसा सोचते,
एक ही दिन में दुनिया डूब जाएगी अगर बरसात गिर भी गई तो। अगर ऐसा हो भी गया तो क्या अचानक से ऐसा हो जाएगा? अचानक से ऐसा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरह के लोग ये सोचते हैं जो लोगों का होगा वो मेरा भी होगा, सोचते अभी ये लोग भी नहीं कर रहे तो इनका जो होगा वो मेरा भी होगा। और दूसरी तरह के लोग सोचते हैं जब होगा तब देखा जाएगा। दो तरह के लोग, एक वो जनों की तरह काम कर चेतावनी पाकर उसके ऊपर विश्वास कर अपना इंतजाम कर लेते हैं और 7 दिन से पहले घुस जाते हैं। दूसरे तरह के लोग यही सोचते रह जाते हैं होता होगा ऐसा, अरे नहीं होगा, होगा तब देखेंगे, जो दूसरों का होगा वो हमारा भी होगा, क्या कि दिन बरसात में सब डूब जाएगा, अचानक से हो जाएगा, 2 घंटे में हो जाएगा, नहीं होगा ऐसा। जो लोगों का होगा वो मेरा होगा, जब होगा तब देखा जाएगा। ये दूसरी तरह के लोग वो धनवान, उसको जाकर पूछो, उस धनवान को जाकर पूछो ये सारे सवाल उसके जेब में यही था, उसने यही सोचा था कि देखा जाएगा, जब होगा तब देख लेंगे, नहीं होगा ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन क्या उसको बचने का मौका मिला? उसके जीवन में कौन सी विपत्ति आई थी? कोई जीवन कुछ भी नहीं, बिना विपत्तियां भी वो तो मर गया, अचानक से मर गया। मौत डांस करते करते नहीं आता, मैं आ रहा हूं तैयार हो जाना और हमको मौका मिल जाए। मौत अचानक से आती है, किसी को पता नहीं चलता, बचने का मौका उस धनवान को नहीं मिला था। और हम ऐसा भी नहीं कह सकते कि धनवान को मौका नहीं मिला था, कि जो उसकी सोच थी होगा तब देख लेंगे, जो होगा देखा जाएगा, दूसरों की तरह, लेकिन जब हुआ तब कोई मौका नहीं। लेकिन वो ध्यान समझना, नूह को जहाज बनाते हुए 100 साल लगे, 100 साल नूह के पास थे अपने आप को बचाने के लिए, अपने परिवार को बचाने के लिए, और वही 100 साल पूरी दुनिया के लिए भी थे, अपने आप को बचाने के लिए और अपने परिवार को बचाने के लिए। नूह बचा पाए, वो लोग नहीं, जबकि मौका दोनों को बराबर का मिला था, वक्त दोनों को बराबर का मिला था, दोनों को 100 साल मिले थे, लेकिन बच्चे सिर्फ नूह। क्यों दुनिया नहीं बचाई गई जबकि 100 साल तो उनको भी मिले थे? वो इसलिए नहीं बचाए गए क्योंकि उन्होंने एक्शन में कुछ नहीं किया, और नूह ने एक्शन किया, नूह ने कुछ काम किया और उसने जहाज बना लिया। चाहे 100 साल लगे लेकिन जहाज बना लिया। इस कारण नूह बचाए गए। जितना मौका नूह को मिला था उतना ही मौका परमेश्वर ने पूरी दुनिया को दिया था। और आज बहुत ध्यान समझना, जितने लोग स्वर्ग में जाने वाले हैं उनको जितना मौका मिलेगा उतना ही मौका आप सबको मिलने वाला है या मिल चुका है। जितना वक्त स्वर्ग में जाने वाले को मिला उतना ही वक्त आपको मिलेगा, और हो सकता है मिल भी चुका हो, लेकिन आप परमेश्वर के पास जाकर यह नहीं कह सकने वाले कि परमेश्वर इतना मौका आपने मुझे नहीं दिया था, इतना वक्त आपने मुझे नहीं दिया था। परमेश्वर सभी को बचने का मौका देते हैं, चाहे निनवे का राजा हो, चाहे वहां का चपरासी हो, सभी को परमेश्वर ने कितने दिन दिए थे?
40 दिन। परमेश्वर के सामने कोई बड़ा छोटा नहीं, परमेश्वर सबको एक समान मौका देते। और जो वचन आज हमने पढ़ा था दानिय्येल भविष्यवक्ता का पुस्तक उसका 4 अध्याय, और वहां पर ऐसा हुआ कि वहां का जो राजा था नबूकदनेस्सर राजा, वो पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा था, और उसको एक सपना आया और सपने में उनको ऐसा कुछ दिखाई दिया कि धरती का जो गोला था उसके बीच में से एक पेड़ बाहर आया, इतना बड़ा हुआ कि पूरी धरती उसकी छाया में आ गई, उसके नीचे पशु पंछी बसेरा करने लगे, पंछी उसकी डालियों के ऊपर घोंसला बनाने लगे। लेकिन तभी अचानक से सफेद वस्त्र पहने हुए आकाश में से एक पवित्र इंसान आया और इसने बोला कि इस पेड़ को पूरा काट दो, लेकिन जड़ से नहीं, ऊपर का थोड़ा हिस्सा, उसका मूल, मैं उसका थड़ जो है वो रखना, बाकी सब कुछ काट डालो। और सब कुछ काट दिया, उसके नीचे से पशु पंछी सारे भाग गए, सारी डालियां काट दी गई, और बोला जो थड़ है जो मूल है उसको पेड़ से बांध दो, इसको पशु बना दो, इसके ऊपर 7 काल मतलब कि 7 साल बीत जाएंगे, इसके ऊपर ओस पड़ेगी, इसके ऊपर बरसात पड़ेगी, ऐसा करो। और हम बाइबल में पढ़ते हैं दानिय्येल का पुस्तक उसका 4 अध्याय और 10 से लेकर 17 वचन, 10 वचन से, जो दर्शन मैंने पलंग पर पाया वह यह है, मैंने देखा कि पृथ्वी के बीचों बीच एक वृक्ष लगा है, उसकी ऊंचाई बहुत बड़ी है, वह वृक्ष बड़ा होकर दृढ़ हो गया और उसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची, और वह सारी पृथ्वी की छोर तक दिखाई पड़ता था, उसके पत्ते सुंदर और उसमें बहुत फल थे, यहाँ तक कि उसमें सबों के लिए भोजन था, उसके नीचे मैदान के सब पशुओं को छाया मिलती थी, और उसकी डालियों में आकाश की सब चिड़िया बसेरा करती थी, और सब प्राणी उससे आहार पाते थे। मैंने पलंग पर दर्शन पाते समय क्या देखा कि एक पवित्र पहरुआ स्वर्ग से उतर आया, उसने ऊंचे शब्द से पुकार कर यह कहा, वृक्ष को काट डालो, उसकी डालियों को छाट दो, उसके पत्ते झट दो और उसके फल बिखरा डालो, पशु उसके नीचे से हट जाए और चिड़िया उसकी डालियों पर से उड़ जाए, तो भी उसके डूंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ और उसको लोहे और पीतल से बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो। यहाँ पर लिखा है कि नबूकदनेस्सर जो राजा था उसको जो सपना आया वो सपने के बारे में यहाँ पर लिखा है, और इस तरह से ये सपना था जो मैंने भी बता दिया। उसके बाद ऐसा हुआ कि राजा डर गए, राजा को लगा सपना आया तो उसका कुछ मतलब होगा, सपने का मतलब बताओ, तो ज्ञानियों को बुलाया गया, लेकिन किसी को भी ये सपने का मतलब नहीं पता चला। आखिर में दानिय्येल को बुलाया गया और दानिय्येल ने सपना सुना, पढ़ो तो आगे वहीं से, तो भी उसके डूंड को जड़ समेत भूमि में छोड़ो और उसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच रहने दो, वह आकाश की ओर से भिंगा करे और भूमि की घास खाने में मैदान के पशुओं के संग बगी हो, उसका मन बदले और मनुष्य का ना रहे परंतु पशु का सा बन जाए, और उस पर 7 काल बीते। यह आज्ञा पहरुओं के निर्णय से और यह बात पवित्र लोगों के वचन से निकली कि जो जीवित है वे जान ले कि परम प्रधान परमेश्वर मनुष्य के राज्य में प्रभुता करता है। यहाँ पर लिखा है नबूकदनेस्सर को जो पूरा सपना आया और परमेश्वर ने एक बात बताई सपने से कि चाहे कोई इंसान चाहे पूरी धरती के ऊपर राज करे, लेकिन उसके ऊपर भी परमेश्वर है और परमेश्वर का राज हमेशा का है, और वो जब चाहे किसी को भी गिरा सकते हैं, जब चाहे किसी को भी उठा सकते हैं, इतना पावर इतनी शक्ति हमारे परमेश्वर में। फिर दानिय्येल को बुलाया गया, पढ़ो तो आगे, मुझ नबूकदनेस्सर राजा ने यही सपना देखा, इसीलिए है बेलशस्सर तू इसका फल बता, क्योंकि मेरे राज्य में और कोई पंडित इसका फल मुझे समझा नहीं सकता, परंतु तुझमें तो पवित्र ईश्वरों की आत्मा रहती है, इस कारण तू उसे समझा सकता है। तब दानिय्येल जिसका नाम बेलशस्सर भी था, ध्यान से सुनना कि दानिय्येल
जिनका दूसरा नाम बेलशस्सर रखा गया था। घड़ी भर घबराता रहा, वो घबरा गए। हालेलुया, बहुत ध्यान समझना, ये परमेश्वर का दास है। जो सपना आया है उस सपने से दानिय्येल को कोई लेना देना नहीं है, लेना देना है नबूकदनेस्सर को। आज हम देखेंगे जो कुछ होने वाला है वो नबूकदनेस्सर के साथ होने वाला है, दानिय्येल को इससे कोई लेना देना नहीं। लेकिन बाइबल में ऐसा लिखा है कि दानिय्येल घबरा गए। फिर से पढ़ो ये वचन, तब दानिय्येल जिसका नाम बेलशस्सर भी था, हाँ, घड़ी भर घबराता रहा। बाइबल में लिखा है कि दानिय्येल घबरा गए, फिर आगे पढ़ो, और सोते सोते व्याकुल हो गए। वो तो व्याकुल हो गए। तब राजा कहने लगा, हाँ, हे बेलशस्सर, हाँ, इस स्वप्न से या इसके फल से तू व्याकुल मत हो। और देखो राजा क्या बोलते, हे बेलशस्सर, हे दानिय्येल, मत डर इस सपने से, इसके अर्थ से मत डर, तो डरने की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, बेलशस्सर ने कहा, हे मेरे प्रभु, यह स्वप्न तेरे बैरियों पर और इसका अर्थ तेरे द्रोहियों पर फल हो। हालेलुया, अभी ध्यान समझो, एक और राजा है, उसको सपना आया है, सपने का मतलब दानिय्येल को पता चल गया, अभी तक पता है ना, अभी बताएंगे। लेकिन जो उसका मतलब है, जो भविष्य में होने वाला है, उसके कारण दानिय्येल डर गए। और दानिय्येल कौन है, परमेश्वर के भविष्यवक्ता, और सामने कौन है, एक सिंपल सा राजा का, चाहे पूरी धरती के ऊपर राज कर रहा हो लेकिन परमेश्वर के भविष्यवक्ता के आगे उसकी कोई औकात नहीं। और देखो डर कौन रहा है, दानिय्येल, परमेश्वर का भविष्यवक्ता, परमेश्वर का दास, बस यही बात है। परमेश्वर के दास लोग डर रहे, होगा क्या, होगा क्या, और ये लोग मर जाएंगे, ये लोग नरक में जाएंगे, ये लोग इस धरती पर भी नहीं रह पाएंगे, ये लोग कैसे जीवन जिएंगे। और ये सब कुछ सोचकर, बाइबल से पढ़ पढ़कर, जब परमेश्वर के दास लोगों को बता रहे तो अंदर से डर रहे, क्योंकि उनको मालूम है भयानकता कैसी है। और मालूम है विश्वासी लोग, हमको तो एक ही बात ध्यान में रखनी है कि एंटीक्राइस्ट की मुहर नहीं लेनी है। हाँ तो तू क्या ऐसे खड़े रख ले, मार दे मुझे, तू आज तेरे बाप से डरता है, तू तेरी माँ से डरता है, तू तेरे भाइयों से डरता है, तेरे घर में बर्थडे आती है, तेरे घर में शादी होती है, तू मीटिंग को छोड़ देता है और सोच रहे इंटरकास्ट को लगा मार दे मुझे। तू अभी कुछ नहीं कर सकता, तेरे रिश्तेदारों के सामने कुछ नहीं कर सकता, और उस वक्त तू ऐसा बोलेगा कि मुझे मोहर मत दे और मैं नहीं ले रहा, तुमसे हो सके वो कर लो। ये बात उसको नहीं पता चलती, लेकिन परमेश्वर के दास को दिखा देती है मरने वाला है, इससे वो डर जाता है, क्या होगा इसका, क्या होगा इसका। एक घंटा जो वडोदरा से लेकर हाल और सफर नहीं कर सकता, वो भी हफ्ते में एक दिन, और जिसके पास सीखता है वो हर हफ्ते हफ्ते में 7 बार वहां पर सफर काटता है, उसके बाद भी वो तो आगे का सफर काटता है, उसको देखकर वो नहीं कर सकता और बोलता है एंटीकास्ट के सामने तो मैं ऐसे खड़ा रहूंगा, मार दे मुझे, क्या उस पर ताकत आने वाली है। समझ में आ रही है बात, इसलिए जो दिखाई देता है ना परमेश्वर के दास को डर जाता है, इसका क्या होगा, खुद के लिए नहीं डरता, डाने खुद से नहीं डरता, मेरा क्या होगा, मैं इसको और बताऊंगा मुझे मार डालेगा, ऐसी डर नहीं है उसको। डर तो ये कि राजा इसका होगा क्या, ये समझ नहीं पा रहा है, इसको पहले भी परमेश्वर का अनुभव हो चुका है, उसने मेरे 3 मित्रों को डाल दिया था आग में, फिर भी मालूम नहीं कौन से परमेश्वर के पीछे चलता है, इसको पता नहीं चलता कि मेरा परमेश्वर सच्चा क्यों पीछे नहीं चलता, डर लग रहा है ये मारा जाएगा, आज भी नहीं सुधरने वाला है। उसके लक्षण पीछे से देख रहा है परमेश्वर का दास, इसलिए उसको डर लग रहा है कि मैं इसको बचाना चाहता हूं, मुझे परमेश्वर ने इज़राइल से यहां तक इसके पास भेजा है, मुझे इतना बड़ा बनाया, इसके साथ बिठाया, तो क्यों कि मैं इसको बचा लूं, लेकिन ये तो इधर उधर भागता रहता है। परमेश्वर के दास को इसलिए डर लगता है। एक रात के मुश्किल से 5-6 घंटे आप अपने खुद के लिए नहीं जाग सकते, आप सुविधाएं ढूंढते हो, मेरे जाने का कुछ प्रबंध होगा, अरे रास्ते निकल पड़ने चलते चलते, क्यों किसी के पास भीख मांगनी,
क्यों किसी को बोला मेरा बंदोबस्त होगा कि रास्ते चलते निकल जा, तेरे जिंदगी का सवाल है, तेरे स्वर्ग का सवाल है, निकल पर चलते सुबह तक पहुंच जाएगा तू, हालो नहीं पहुंचेगा क्या? यहां से आगे 3 किलोमीटर लोग जाते हैं, मारो ने कहां कहां से चल कर आते, अरे उनके पास इतना सामर्थ्य तेरे पास नहीं है क्या? मेरी कुछ व्यवस्था हो सकती है? हाँ हो सकती है क्या? कंफर्म टिकट है तेरे पास दर्द की, हो गई है तेरी व्यवस्था, तू तो जा नहीं सकता तेरे खुद के लिए। क्या तुझे कोई दूसरा तुझे प्रार्थना के लिए बोला, तू प्रार्थना के लिए जाएगा क्या? तू तेरे लिए नहीं जाग सकता, तू किसी के लिए जागेगा? परमेश्वर के दास को डर लगता है इसका होगा क्या, मैं कितना सिखाता हूं इसका होगा क्या, इसको कितनी बार अनुभव हुआ इसका होगा क्या। परमेश्वर के दास को डर लग रहा है कि राजा मर जाएगा, उसको खुद का डर नहीं है, उसको सामने वाले का डर है कि मैंने इसके पीछे कितनी मेहनत की बरसों से इसके साथ हूं, वो डर लग रहा है उसको कि मेरी मेहनत व्यर्थ में चली जाएगी, ये राजा नाश हो जाएगा, ये डर लग रहा है। सही में परमेश्वर ऐसा करते क्यों नहीं? क्यों 1 मिनट लोगों की सांस बंद नहीं करते? क्यों लोगों को 2-4 मिनट के लिए, 2-4 पल के लिए नरक में डालकर बाहर नहीं निकालते? बता दो उनको मैं कौन हूं। सब लोग भागने लगेंगे, लेकिन हम परमेश्वर को जानते हैं, पहचानते हैं। दानिय्येल घबरा गए, ताने बोलता जो तेरे साथ होने वाला ना तेरे दुश्मन के साथ हो, बहुत भयानक बात होने वाली है, हमको नहीं पता जा, वह देखा जाएगा, खड़े होगा तू देख लेगा, और तू आज नहीं देख सकता तू कल क्या देखेगा। मैंने ऐसे ऐसे लोगों को देखा है, पत्नी एक आंख लाल कर देना नहीं जाना है मीटिंग में, नहीं जाओ, और मुझे भी फोन कर बताते क्या टाइम पे फोगट में घर में झगड़ा हो ना, कोई बात नहीं नर्क में झगड़ा करते रहना, अभी नहीं कर सकता नर्क में कर लेना। इंसान परमेश्वर को जानने के बाद भी जो करना चाहिए वो नहीं कर सकता है। पढ़ो तो आगे क्या लिखा है, जिस रूप को तूने देखा जो बड़ा और दृढ़ हो गया और जिसकी ऊंचाई स्वर्ग तक पहुंची और जो पृथ्वी के सिरे तक दिखाई देता था, जिसके पत्ते सुंदर और बहुत और फल बहुत थे और जिसमें सबों के लिए भोजन था, जिसके नीचे मैदान के सब पशु रहते थे और जिसकी डालियों में आकाश की चिड़िया बसेरा करती थी, हे राजा वह तू ही है। देखो बताया कि राजा वो पेड़ कोई और नहीं, ये तू है, तू आज चाहे कितना भी बड़ा हो, तू आज चाहे जो भी हो, तू आज चाहे कितने लोगों को खाना खिलाता हो, तू आज चाहे कितने लोगों की सुरक्षा करता हो, लेकिन राजा वो पेड़ तू है। और पढ़ो आगे, तू महान और सामर्थी हो गया, तेरी महिमा बड़ी और स्वर्ग तक पहुंच गई और तेरी प्रभुता पृथ्वी की छोर तक फैली है, हे राजा तूने जो एक पवित्र पहरुए के स्वर से उतरते और यह कहते देखा कि वृक्ष को काट डालो और उसका नाश करो, तो अभी उसके ढूंढ को जड़ समेत भूमि में छोड़ो। हालेलुया, बोला कि तूने पवित्र पुरुष को देखा, उसने बोला सब कुछ काटा हो, लेकिन फिर भी इस पेड़ को पूरा मत काटना, उसकी जड़ को रखना, जड़ से मत उखाड़ना, लेकिन ये पेड़ कोई और नहीं तू है। पढ़ो आगे, और इसको लोहे और पीतल के बंधन से बांध कर मैदान की हरी घास के बीच में रहने दो, वह आकाश की ओर से बिघा करे और उसको मैदान के पशुओं के संग ही भाग मिले, और जब तक 7 युग उस पर बीत न चुके तब तक उसकी ऐसी ही दशा रहे। 7 साल तक तेरी परिस्थिति ऐसी हो जाएगी। और फिर आगे क्या लिखा है, हे राजा इसका फल जो परम प्रधान ने ठान लिया है कि राजा पर घटे वह यह है। ठान लिया है परमेश्वर ने, ऐसा होगा ही होगा, ठान लिया परमेश्वर ने। हाँ पढ़ो, वह यह है कि तूने मनुष्य के बीच से मनुष्यों के बीच से निकाला जाएगा, तुझे मनुष्य में से हटा दिया जाएगा और मैदान के पशुओं के संग रहेगा। हाँ तू जंगली पशुओं के साथ रहेगा, तू बैलों के समान घास चरेगा, बैलों के समान घास खाएगा। एक राजा जो आज पूरी दुनिया का गुजारा करता है,
उसको घास खिलाया जाएगा। देखो कैसी परिस्थिति, फिर और आकाश की ओस से भीगा करेगा। हाँ। और सात युग तुझ पर बीतेंगे, 7 साल तक तेरी ऐसी परिस्थिति रहेगी जब तक कि तू न जान ले कि मनुष्य के राज्य में परम प्रधान ही प्रभुता करता है और जिसे चाहे वह उसे दे देता है। जब तक तू ये वापस ना जान ले कि परमेश्वर ही सब कुछ है, जब तक तू अपना मन नहीं फिराएगा तब तक तेरी परिस्थिति ऐसी की ऐसी रहेगी। बहुत ध्यान समझता है, दानिय्येल डर गए थे कहते कहते, वो डर खुद का नहीं था, खुद की मौत का डर नहीं था, डर ये था राजा का क्या कौन सी विपत्ति आ पड़ी थी, नहीं आई थी विपत्ति, वो तो आने वाली थी, अभी कहां कुछ हुआ। लेकिन दानिय्येल डर गए, बोले परमेश्वर ने ठान लिया है। उसका 27 वचन पढ़ो तो, इस कारण हे राजा बहुत ध्यान सब समझना, इस कारण हे राजा, दानिय्येल अभी राजा को कुछ नसीहत दे रहे, राजा को कुछ बता रहे, हे राजा मेरी यह सम्मति स्वीकार कर कि यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे, यदि तू पाप छोड़कर धर्म करने लगे और अधर्म छोड़कर दीनहीनों पर दया करने लगे और अधर्म छोड़कर गरीब लोगों के ऊपर दया करे, तो संभव है कि ऐसा करने से तेरा चैन बना रहे। एक मौका है राजा, सब कुछ तेरे साथ होने वाला है, लेकिन फिर भी एक मौका है तेरे पास। अगर तू सुधर जाए, अगर तू पाप को छोड़ दे, अगर तू परमेश्वर का काम करने लग जाए राजा, आखिरी मौका है तेरे पास, तू बच सकता है इस बात से। जब बच सकता है तो दानिय्येल डरते क्यों? डरने का कारण यही है कि आज तक सुधार नहीं देखा। इसलिए दानिय्येल को डर लग रहा है, लेकिन दानिय्येल बता रहा है कि राजा एक मौका है तेरे पास, अगर तू इस तरह से पाप छोड़ दे, लोगों के साथ अच्छे से व्यवहार करे, परमेश्वर में बना रहे, तो परमेश्वर तुझे बचा सकते इस बात से। एक मौका है तेरे पास आखिरी। हालेलुया। फिर पढ़ो तो 28 वचन, यह सब कुछ नबूखादनेस्सर राजा पर घट गया। बाइबल में है, सब कुछ हो ही गया उसके साथ, हो ही चुका उसके साथ। आगे पढ़ो, 12 महीने बीतने पर ये तुरंत नहीं हुआ, कितना टाइम लगा? 12 महीने, मतलब एक पूरा साल लगा उसको, पूरा साल लगा। हाँ, जब वह बेबीलोन के राजभवन की छत पर टहल रहा था, हाँ, तब वह कहने लगा, क्या यह बड़ा बेबीलोन नहीं है जिसे मैं ही ने अपने बल और सामर्थ्य से रात दिवस होने को और अपने प्रताप की बड़ाई के लिए बसाया है। एक साल पहले उसको छिताया गया था, राजा बच्चा घमंड छोड़ दे, राजा तू लोगों की सेवा करना शुरू कर दे, पाप बंद कर दे। 12 महीने परमेश्वर फिर भी इंतजार किया, तुरंत नहीं होने दिया। परमेश्वर ने 100 साल लगाए नूह के वक्त, तुरंत परमेश्वर ने काम नहीं किया। परमेश्वर ने 40 दिन दिए नीनवे के लोगों को, वक्त देते हैं परमेश्वर मौका देते हैं, परमेश्वर वक्त देते हैं। जितना धर्मी को इतना ही कुधर्मी को, जितना है एक मसीह को इतना है अन्य जाति को, परमेश्वर सभी को वक्त देते, पहले से चेतावनी देते, सब कुछ बाइबल में पहले से लिखा हुआ है। नबूखदनेस्सर को मौका मिला लेकिन फायदा नहीं उठाया, मौका मिला था, वक्त मिला था, 12 महीने मिले थे, पूरा साल मिला था, लेकिन मौके का फायदा नहीं उठाया, वक्त का इस्तेमाल नहीं किया। आपको भी परमेश्वर वक्त दिया है, आप लोगों को भी परमेश्वर ने मौका दिया है। जितना वक्त मुझे मिला है, जितना वक्त और लोगों को मिला है, उतना ही वक्त आपको भी मिला है। जितना मौका मुझे मिला है, और लोगों को मिला है, उतना ही मौका आप लोगों को भी मिला है। बचना नहीं बचना इंसान के हाथ की बात है, उस तरह से करना नहीं करना परमेश्वर बचाव का रास्ता भी दिया है। कैसे बचा जाए? तो परमेश्वर ने बोला, मन फिराओ, बपतिस्मा लो ताकि पापों की क्षमा मिले और तुम्हें पवित्र आत्मा मिले, और आज्ञाकार में बने रहो ताकि पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर बढ़ते जाए। परमेश्वर जितना करते उतना करो,
और बच जाओ। उपाय तो परमेश्वर ने भी दिया हुआ है, हम सभी को दिया, मौका दिया, वक्त दिया और साथ में रास्ता भी बता दिया क्या करना है, किस तरह से करना है। लेकिन करना नहीं करना इंसान के हाथ में। दो तरह के लोग, एक नूह के समान जो तुरंत एक्शन कर लेते चाहे आज तक नहीं देखा लेकिन करो जहाज बनाओ, और दूसरे से देखा जाएगा होगा तो देख लेंगे, जो और लोगों का होगा वो मेरा भी होगा, जब होगा तब देखा जाएगा क्या दिन में होगा, अचानक से होगा क्या, अचानक से पवित्र आत्मा गायब हो जाएंगे, अचानक से काम बंद हो जाएगा, पहले कुछ तो होगा, आखिर दिन में मन फिरा होगा, मैं करूंगा मैं वो करूंगा, वो सब कुछ ही होगा। जो भी करना है जब मौका मिला है तभी करना है, जो वक्त मिला है तभी करना है। वो निन्वे के लोग अच्छे थे जो एक मनिक्षित होकर बच गए, अपने आप को बचा लिया उन्होंने। ऐसा करो नूह के समान, ऐसा करो निन्वे के लोगों के समान कि जो वक्त मिला उसका फायदा उठाओ, कहीं ऐसा ना हो कि नबूकदनेस्सर की तरह हम नाश हो जाए हम बचाए ना जाए। जो मौका मिला है, जो वक्त मिला है, ये वक्त कब खत्म हो जाए हम जानते नहीं, उससे पहले अपने आप को बचा लो, परमेश्वर को सही रीति से अपना जीवन समर्पित कर दो। आओ हम सभी अपनी आंखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु से आगे झुकाए, राजाओं के राजा है जो प्रभु के प्रभु है, जो कभी नहीं बदलते। मेरे प्रियो, जो बाइबल में लिखा है वो होने ही वाला है, जो भी प्रति आने वाली है वो आने ही वाली है। मौका जितना और लोगों के पास है उतना है हम सभी के पास, बचना नहीं बचना वो हमारे हाथ की बात है, हमें क्या करना है वो हम जानते हैं। लेकिन परमेश्वर ने आज आने वाले दिनों की विपत्तियां और उससे बचने का तरीका, वक्त और मौका सब कुछ परमेश्वर आपको बता दिया है, आपको क्या करना है वो परमेश्वर आपको बता दिया है। मर्जी आपकी है किन्हों की तरह काम करे, निन्वे के लोगों की तरह काम करे या नबूकदनेस्सर की तरह नाश हो जाए। क्या करना है वो हमारे हाथ में है, लेकिन होशियार बनो, ऐसा करो क्या बचाए जाओ। ये वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु यीशु की कृपा हम सभी पर होने।